नासिर हुसैन उस्ताद, नासिर हुसैन उस्ताद, अब की बार, अब की बार मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, जम के लगेगी, वोट लगेगा। कोई जीता कोई हारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीते तो भी लीडर नहीं है, हारे तो भी लीडर नहीं है, ये जीता तो भी लीडर है, हारे तो भी लीडर है, क्योंकि निडर है, और जो निडर होता है वही लीडर होता है। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, शाहिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अलशरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फाइन आर्ट डिजाइनर्स, फॉर्चून स्कूल, चुलबुल लाइटिंग एंड फर्नीचर। वोट लगेगा, जम के लगेगा, वोट लगे। सारे वादे हैं जनता दल सेक्युलर के और नासिर हुसैन उस्ताद साहब के। जनता दल सेक्युलर, आप लोगों के घरों में, आप लोगों की जो बड़ी बुजुर्ग औरतें हैं, उन हर एक घर में एक खानदान के लिए, एक बड़ी औरत के लिए 5,000 रुपए महाना देने का उनका वादा है, हमारा वादा है, जनता दल सेक्युलर का वादा है। और फ्री गैस सिलेंडर्स 5 मुफ्त आप लोगों को देने का वादा है, साथ ही साथ मुफ्त मकान देने का वादा है। जो लोग भी बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं और जिनके पास मकानात नहीं है, उनको मकानात देने का वादा है। इसके साथ आप लोगों को, जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, वो ऑटो ड्राइवर्स को 2,000 रुपए महाना देने का वादा है। और कई एक वादे हैं, खास करके मैं नासिर हुसैन उस्ताद साहब की जानिब से 2 वादे आपके सामने रखना चाहता हूं कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब इंशाल्लाह एमएलए बनने के बाद में सबसे पहले आप लोगों को साफ पीने का पानी मुहैया करवाएंगे। सबसे पहले वो काम करेंगे कि आप लोगों के घरों में साफ पानी मिले और आप लोगों के बच्चे ना तो बीमार हो उस गंदे पानी को पीने की वजह से, ये उनका आजम है। उसके साथ साथ आपके घरों में जो खवातीन हैं, 5,000 खवातीन को रोजगार देने का उनका वादा है, ताकि आप लोगों के घरों में रोजगार चलता रहे, आप किसी के मोहताज ना रहे। मैं आपके सामने बस इतनी गुजारिश करता हूं कि 3 नंबर के बटन पर 10 तारीख को अपना बटन दबाएं, 3 नंबर के बटन को दबाएं, और नासिर हुसैन उस्ताद साहब की वहां पर तस्वीर मौजूद है, जनता दल सेक्युलर का भाड़ा की भाड़े वाली औरत की तस्वीर मौजूद है, वहां पर आप लोग बटन दबाएं और इस बार कामयाबी नासिर हुसैन उस्ताद साहब को दें। मैं एक नारा लगाना चाहता हूं, वोट लगेगा, वोट लगेगा, जम के लगेगा, वोट लगेगा, जम के लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत बात उबैदुल्ला खान साहब ने बोली थी, याद आ गई, आपको बताता हूं कि आप जिसको चुन के भेजते हैं, जो चौकी पे बैठता है वो चौकीदार होता है, आपका पहरेदार है वो। आप जो जमी पे बैठे हैं, आप जमींदार हैं, आप मालिक हैं इस देश के, क्योंकि आपके वोटों की बदौलत वो कुर्सी पे बैठते हैं। कुर्सी पर बैठने के बाद अगर इंसान घमंड में आके अपना फर्ज भूल जाता है, तो हमारा फर्ज है फिर उस कुर्सी से उसको उतार देना। अगर आप मेरी बात को सुन के समझते हैं तो आप फैसला करिए, मैं तो बोल के चला जाऊंगा, फैसला आपने करना है। नासिर भाई आपके साथ थे, हैं, रहेंगे, मैं यकीन दिलाता हूं, मेरे 30 साल के दोस्त हैं, लेकिन अभी क्यों मैं इनका साथ देने के लिए इस मैदान में आया हूं? एक ही रीजन था कि मुझे लगा कि गुलबर्गा को एक कायद की जरूरत है, एक मजबूत लीडर की जरूरत है। कोई जीता कोई हारा ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इनको जिताकर असेंबली में भेजे, जो कि आपकी आवाज को उठा सके, आपकी दुखों तकलीफों के लिए लड़ सके, एक जुझारू नेता। कोई जीता कोई हारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीते तो भी लीडर नहीं है, हारे तो भी लीडर नहीं है, ये जीता तो भी लीडर है, हारे तो भी लीडर है, क्योंकि निडर है, और जो निडर होता है वही लीडर होता है। आपको डिसाइड करना है, 5 साल तक अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, आपके हक की लड़ाइयां चाहिए, आपके बच्चों को नौकरियां चाहिए, आपको इज्जत की जिंदगी चाहिए, आपको ईमान के साथ अगर रहना है, इज्जत से रहना है, इज्जत की रोटी खाना है, तो इज्जतदार और ईमान वाले आदमी को चुनना पड़ेगा।
एक ही बात, 10 तारीख के दिन हमारे नासिर भाई के हाथों को आप मजबूत करिए और ये एक जिंदा मिसाल दीजिए कि आप वाकई में जिंदा हैं। ये तमाम लोग नासिर हुसैन उस्ताद को अपना कीमती वोट दे के, उनका निशान 3 है, जनता दल पार्टी से वो खड़े हैं और उनका जनता दल का निशान औरत, जो भारे वाली औरत है, मैं तमाम मुस्लिम संघ के आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो नासिर हुसैन उस्ताद साहब का साथ दीजिए और नासिर हुसैन साहब को मजबूत कीजिए। नासिर हुसैन उस्ताद को ये खमरुल इस्लाम साहब की खबर की दुआ है, खमर की खबर की दुआ है, क्योंकि खमर ने पूरी जिंदगी में कभी अपना नायब नहीं दिया, अपना जानशीन नहीं दिया, अपना नुमाइंदा नहीं दिया। हमेशा उस शेर ने कहा, हम भी बेफिक्र थे जब तक वो जंगल में था, हम भी बेफिक्र, हम तकरीरों को नहीं आए कभी, 40 साल में उम्र 56 साल लग, हम नहीं आए सियासी स्टेज पे, नहीं आ जाना पड़ा क्योंकि बहुत हो गया, बहुत हो गया। कभी कमर साहब ने अपना सियासी वारिस नहीं छोड़ा, छोड़ा वो हमेशा कहते थे अगर किसी की दम है, अब पीछे का जुमला तुम बोल सकते, मैं नहीं बोल सकता। किसी की दम है तो मुझे हरा के आगे बढ़ो, है ना। अब लोग इस्तखारा करके आगे बढ़े तो क्या किया जाए, नहीं समझते तुम लोग, है ना, क्या किया जाए। अब खमरुल इस्लाम ने कहा कि अगर नासिर हुसैन उस्ताद को तुम जिताओगे तो एक गुलबर्गा के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित लिंगायत तुम्हें 25 साल तक औलाद की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी औलाद की, तुम्हारे औरतों की फिक्र नासिर करेगा। उठाए नासिर हुसैन उस्ताद, नासिर हुसैन उस्ताद, अब की बार मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, जम के लगेगी, दांत के लगेगी, मोहर लगा दो, जम के लगा दो, लगा दो। आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पूछने आया हूं, क्या आप ऐसे लोगों को ताश पिलाएंगे जिनके मिजाज में चापलूसी हो, जिनके दिलों में बुजदिली हो, क्या ये ताश पीने का क्राइटेरिया आपका है? नहीं हो सकता। दो तिहाई दुनिया पे हमने हुकूमत की है, अदल और इंसाफ की बुनियाद पे हमने हुकूमत की है, तमाम मजहब के साथ रह करके भाईचारे को, अमन को कायम करने हमने की है। आज मिजाज में चमचागिरी, चापलूसी, मजबूरी, तीसरा इलेक्शन है भाइयों, तीसरा इलेक्शन, किसी के सामने सर नहीं झुकाया हूं, किसी के सामने सर नहीं झुकाया हूं। जब भी महसूस हुआ है कि कमजोर को आवाज की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, अपने आप को पेश किया हूं, एक लड़ाई लड़ते आया हूं, मुझ जैसा और दूसरा होगा नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, मुझे उसका इल्म नहीं है। किसी लीडर के, किसी वोट बैंक के बुनियाद पर बुनियाद बना करके इलेक्शन में नहीं खड़ा हूं, मेरे पास पैसा ज्यादा है इस बुनियाद पर मैं इलेक्शन नहीं खड़ा हूं, इसीलिए इलेक्शन खड़ा हूं कि आज के तारीख में, आज के दिन में फासिस्ट ताकतें बहुत ताकतवर हो गई हैं, बहुत ताकतवर हो गई हैं, हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस काम को झुकते हुए नहीं देख सकता, कमजोर होते हुए नहीं देख सकता। असेंबली में बैठ करके वो जहर उगलने वाले उन फासिस्ट लीडरों के खिलाफ जब कानून बनता है,
तो मैं घर में टीवी पर देखकर कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं करता। आइए, नहीं चाहता कि मैं घर में बैठकर आराम से देखो, अरे भाई ऐसा कैसा हो गया, देखो हिम्मत किया हूं, फैसला आपका होना चाहिए। तीसरा इलेक्शन है, दो इलेक्शन हारने के बावजूद हिम्मत नहीं हारा हूं, तीसरा इलेक्शन बड़ी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा हूं। आप अपने साथ इंसाफ कीजिए, आप इस कौम के साथ इंसाफ कीजिए, आप मिल्लत के साथ इंसाफ कीजिए, आप हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ इंसाफ कीजिए। अगर ये पल चला जाएगा, याद रखिए, दूसरा कोई नहीं होगा। ये कांग्रेस के भरोसे पर, ये कांग्रेस के भरोसे पर अगर आप वोट डालेंगे ये सोचकर कि सीट बचाना है, सीट बचाना है, तो आप अपने लिए सीट बचाइए, गरीबों के लिए सीट बचाइए, कांग्रेस के लीडर की चमचागिरी करने की वाली सीट चाहिए क्या आपको? चाहिए क्या आपको? गरीब ठेले वाले के ऊपर जुल्म होता है इत्तेहाद? अरे भाई वोट तकसीम, वोट तकसीम क्यों हो रही है? कौन है वो इत्तेहाद को तोड़ने वाला? ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस को वोट डालना है? बोलिए उनसे कि कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे, सीना ठोक कर बोलिए। पांच साल हमने अपने आप को कमजोर पाया है, हमने अपने आप को मजबूर पाया है। असेंबली में एक लफ्ज नहीं बात कर रहे हो, पांच गुत्तेदारों के लिए एक एक गुत्तेदार को 30-30 करोड़ का काम, 50-50 करोड़ का काम निकले हैं बाहर। वही पांच लोग काम कर रहे हैं, दूसरा कोई काम करने वाला नहीं। बताओ एक प्रोग्राम में एक कोई लीडर ये बोलता है कि मोहतरमा बड़े काबिल है, बोले कोई एजाज भाई एमएस सिविल में? मैडम बहुत अच्छे हैं, मिल्लत के लिए आवाज उठाने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं, हिजाब के ताल्लुक से बात किया असेंबली में, टेबल ठोक के बात किया। एक एमएलए जो हिजाब पहनती है, एक मुस्लिम खवातीन एक ही है, हिजाब के मामले में बात किया, एक आवाज असेंबली में गूंजना चाहिए। आपके तकालीफ के हल के लिए असेंबली में लड़ने वाला चाहिए, फासिस्ट ताकतों के खिलाफ मुकाबला करना चाहिए, तो आप फैसला कीजिए। मैडम चाहिए, नासिर उस्ताद, मोहतरमा चाहिए कि नासिर हुसैन उस्ताद चाहिए? आवाज नहीं आ रही, हाथ उठा के बोलो। तीसरा इलेक्शन है मेरा, मेरे साथ इंसाफ होना, इंसाफ करेंगे। 10 तारीख तक, 10 तारीख के शाम तक आपको दिन रात काम करना है, इंशाअल्लाह ताला इत्तेहाद को कायम किया जाएगा, सीट भी बचेगी, इत्तेहाद भी रहेगा, और जो है सही रहनुमा भी जो है असेंबली में जीत के जाएगा, इसका वादा आपके लिए करूंगा। सीरियल नंबर निशान क्या है? निशान क्या है? शुक्रिया, असलाम। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharia Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture.